नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। छब्बीस जून को दिल्ली के द्वारका में हुए टैलेंट ऑफ हिमाचल सीजन 3 के मेगा ऑडिशंस, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग कैटेगरी में 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इन ऑडिशंस की खास बात थी कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित किए गए थे। ऑडिशन आयोजित किए डीजे अशांक ने। इससे पहले भी डीजे अशांक सीजन 1 और सीजन 2 को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। शो को जज करने पहुंचे थे जूरी मेंबर्स ममता श्रीवास्तव, संगीता प्रकाश, FFW चेयरमैन वीर सचिन अदवंशी, अख्तर खान और सना सैनी। टैलेंट ऑफ हिमाचल सीजन 3 के स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आए मजीशियन तुलसी जादूगर सजल अग्रवाल, तहलका प्रो एंकर सनी आर्या, योगा गुरु विश्व चौहान। इस टैलेंट शो में जो विनर रहेगा उसे बॉलीवुड की रिनाउंड कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। खुशमिजाजी भी मशहूर हो और सादगी भी कमाल हो। एक दांतुवत पीछे भी बैठा हुआ है। एक मुझे भी शेर याद आ गया भैया, है ना। और इसके बाद मिशन प्रीत हमारे बीच में आने वाली है। हाँ, बिल्कुल। एक लाइन मैं भी कहना चाहूंगा मैम, अब ये मैं आपके डेडिकेट नहीं कर रहा हूँ, जो आप जो चाहे रिलेट होना वो रिलेट हो जाइएगा, कि जाम पे जाम पीकर लोग झूम जाते हैं,
जाम पे जाम पी कर लोग झूम जाते हैं, आप समंदर की बात करते हो, हम आपकी आंखों में डूब जाते हैं। और मीडिया वालों को देखकर अक्सर लोग घूम जाते हैं, अरे इनको कहाँ झुमाओगे भाई, ये बहुत लंबी है, मेरे से भी देखो थोड़ा टक्कर मार दे, कहाँ झुमाओगे, पकड़ पकड़ कहीं से चलाओगे इनको। मैं तो तेरी तू है मेरा, मैं तो तेरी तू है मेरा सैया for you because aap bahut pyare singer aur guitarist ho, mere brother ho, ya rabba tere koi jaan bhi agar dil bhar pe ho na, dil bhar pe ho na koi asar o ya rabba। अमित जी, ये जो टैलेंट ऑफ हिमाचल कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई और कब से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं? देखिए, ये हमने स्टार्ट किया था 2015 में, तो हम इसको पहले लोकल लेवल पे करते थे, तो उसके बाद 2018 में हमने इसको स्टेट लेवल पे किया, अब हम नॉर्थ इंडिया कवर कर रहे हैं इस बार, तो जगह जगह से हम जो टैलेंट है उसको ढूंढ रहे हैं ताकि हमें एक टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट मिले। नहीं तो ये आइडिया कार्यक्रम करने का मन में कैसे आया, जैसे हिमाचल में भी सबसे पहली बार करा, तो क्या मन में भाव थे जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत? एक्चुअली हिमाचल में 2015 में, तो वहाँ पर उस टाइम इतने सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स और मॉडलिंग के कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे, सिर्फ डांसिंग के होते थे, तो हमने तीनों को प्रमोट किया इस बार अपने शो में भी। पिछली बार हमने सिर्फ डांसिंग और सिंगिंग रखा था, मॉडलिंग हम इस बार लेकर आए हैं। तो आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा है? सर बहुत बढ़िया है, बहुत, इस बार तो दिल्ली में तो आग लगा रखी है लड़कों ने। तो पिछली बार कितने प्रतिभागी थे जो आपके कार्यक्रम में शामिल हुए? सर पिछली बार हमारे पास 550 के आसपास जो बचे थे वो शामिल हुए थे, जो हमारा फर्स्ट जो 2015 का हमारा विनर है नितेश अपलू, वो हमारे लोकल शिमला के शोज़ करता है। सेकेंड हमारा विनर था राहुल डोगर, जो आजकल बी प्राक की टीम के साथ काम कर रहा है। तो ये जो अब आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आपको आर्थिक रूप से संकटों का सामना तो नहीं करना पड़ता? देखिए थोड़ा बहुत तो होता है, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें टैलेंट आगे निकालना है, अपने हिमाचली आगे निकालने हैं, ठीक है, इस बार तो हमें इंडियंस वो चाहिए ताकि आगे निकले, उनको एक अच्छा मंच मिले। तो अब जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका फाइनल कहाँ और कब करने की योजना है? इसका फाइनल हम करेंगे पालमपुर में जी, और ये होगा अगस्त में, इसकी डेट्स हमारे पेज पे मिल जाएंगी। अच्छा। जी, कोई पेज से जुड़ना चाहे तो अपने पेज के बारे में बताएं, कोई फ़ोन नंबर देना चाहें कि जो हमारे दर्शक देख के इस कार्यक्रम से आपसे जुड़ना चाहें तो वो बताएं। देखिए हमने यहाँ दिल्ली में आपका एक चैनल, ठीक है, हम हमारे ये मीडिया पार्टनर्स भी हैं एवन चैनल, तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे पोस्टर्स आपके पास ऑलरेडी हैं। वो जो फेसबुक पेज है उसका नाम बता दें जी, उसका नाम है टैलेंट ऑफ हिमाचल। और कुछ दर्शकों को या नए प्रतिभागी जो जुड़ना चाहते हैं, उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं तो अमित जी बताएं। अपना टैलेंट छुपाइए मत, उसको उभार कर लाइए ताकि दर्शक जो है उनको देखें, सराहें उनकी प्रतिभा को, तो इसीलिए हमने नाम रखा था टैलेंट ऑफ हिमाचल, नई प्रतिभा नया हुनर। बहुत। मैम आपका नाम क्या हुआ? माय नेम ज्योति शर्मा। ओके, सो आप यहाँ पर जज हैं? हाँ। किस चीज़ का? लाइक चूरी में मैं जजिंग कर रही हूँ, और बहुत अच्छा है टैलेंट, दिल्ली का ही नहीं, दिल्ली एनसीआर से भी यहाँ पे काफ़ी बच्चे आए हैं, और बहुत अच्छा प्रशांत और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। नाम तो है टैलेंट ऑफ हिमाचल,
बट ये सिर्फ टैलेंट हिमाचल का ही नहीं है, ये इंडिया का टैलेंट है जी। बहुत बढ़िया बात है कि सिर्फ नाम है हिमाचल, लेकिन इसमें जो टैलेंट आएंगे वो अक्रॉस द इंडिया हर जगह से टैलेंट चुन चुन कर आएंगे और उनको मौका मिलेगा। मैम, इस शो के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है कि इसका मतलब क्या है, थीम क्या है इस शो का? इस शो का मेन थीम ये है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, हर जगह के टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, उन्हें एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो इस शो का बेस यही है कि हर एक टाइप के टैलेंट लाइक सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, हर टैलेंट को एक राइट प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जाए। और बाकी तो ऑडियंस की चॉइस है, किसी को भी जीरो से हीरो बनाने की। तो टैलेंट को देखिए, पहचानिए और सपोर्ट कीजिए। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मिश्रप्रीत। मिशुप्रीत जी, आप किस चीज़ की जज हैं यहाँ पर? फैशन ज्यूरी में। मैम है फैशन ज्यूरी में। मैम, इस शो का थीम क्या है आप बताइएगा प्लीज़। डांस को और एक्ट को इन्होंने काफ़ी अच्छा मंच दिया है, जो मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में ज़रूरी है ना। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और उसको आगे लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके मैम, आपका मतलब आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका कैसा मीन्स कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, लाइफ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप इस अच्छा अभी चल रही है और मतलब इस मुकाम तक आप पहुंची हैं, उसके पीछे किसका सपोर्टिंग हैंड क्या है और कुछ बता सकती हैं आप? अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। ओके, तो अभी जस्ट चल रही है, जब एक टाइम पे पहुंच जाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरा कैसा रहा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।